आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, और आज जो क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आया है उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट में उनको लगता है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कम दिए गए हैं और हमारे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, हमें कम मार्क्स मिले हैं, हमने तो काफ़ी अच्छा लिखा था लेकिन उस हिसाब से हमको मार्क्स नहीं दिए गए। तो वो बच्चे, ऐसे बच्चे अपने रिजल्ट को, अपनी मार्क्स, अपनी जो आंसर शीट्स हैं, जो अपनी कॉपी है, उनको रीचेक करा सकते, दोबारा चेक करा सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है सीबीएसई बोर्ड के। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कैसे आपको चेकिंग करानी है, कब से आप करा सकते हैं, क्या उसकी डेट्स रहेंगी, कितनी फ़ीस होगी चेक कराने की। देखो, जब आप कॉपी रीचेक कराते हो तो उसके लिए सीबीएसई बोर्ड का 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला स्टेप वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकेंड स्टेप होगा ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ दी आंसर बुक्स, जो आपकी आंसर बुक्स होंगी, आंसर शीट्स होंगी, उनकी जो कॉपी है वो आपको दी जाएगी। और तीसरा होगा आपके आंसर को चेक करा जाएगा, मतलब उसको असली चेकिंग जो होगी वो थर्ड स्टेप में होती है। जो चेकिंग हम बात करते हैं ना, वो असली चेकिंग थर्ड स्टेप में होती है। वो कैसे होगा, देखो, सबसे पहला स्टेप है वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसका मतलब है आपके मार्क्स को सिर्फ वेरीफाई करा जाएगा, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि टोटल करने में गलती हो गई हो, मार्क्स को टोटल करने में कहीं गलती हुई है, ये चेक होगा पहले स्टेप पे। उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जाना होगा सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप होगा, उसमें आपको ऑनलाइन आपकी जो कॉपी है, आंसर शीट है, उसकी कॉपी मिल जाएगी, यानी कि वो जो अभी लिखा था वो सेम टू सेम वही कॉपी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, कि आपकी कॉपी कैसे कैसे चेक हुई है, ठीक है, वो आप देख लेंगे। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हमारी कहाँ पे, हमें कौन सा क्वेश्चन चेक कराना है, वो आप कराएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको बताना पड़ेगा कि मुझे अपने क्वेश्चन पेपर का ये वाला क्वेश्चन चेक कराना है, तो उसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है। उसकी फ़ीस होती है 100 रुपये एक क्वेश्चन की। तो इस बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे आपको बता रखा है कि कितने कितने पैसे। देखो, पहले स्टेप की फ़ीस है वेरीफिकेशन मार्क्स, जो फीस होती है 500 रुपीज़, यहाँ लिखा हुआ है, देखो, ₹500। ये कौन सी फीस है? ये फीस है वेरीफिकेशन मार्क्स पहले स्टेप की। जब ये स्टेप हो जाएगा, यानी कि वो स्टेप में चेक करेंगे कि जो आपके मार्क्स है, कहीं उसमें टोटल में तो कुछ गलती नहीं हो गई है, है ना, लिखा यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और दूसरी बात, अगर मान लो आपके मार्क्स बढ़ गए तो आपको वो मिल जाएंगे, मान लो घट गए तो घटे में मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर बढ़ गए तो बढ़ गए, घट गए तो घट गए, ठीक है। तो क्या साफ से लिखा हुआ, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक इन दैट दोज सब्जेक्ट्स। यानी कि आपने अगर वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है तभी आप सेकंड स्टेप करवा सकते हो। अगर आपने स्टेप वन नहीं करा, कुछ बच्चे ऐसे हैं मान लो स्टेप वन नहीं करा, सीधे स्टेप टू भी चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसने स्टेप वन करा होगा वो स्टेप टू करेगा, जो स्टेप टू करेगा वो स्टेप थ्री करेगा। एक सीढ़ी की तरह है, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ना होगा, तभी आप अपनी पूरी कॉपी को चेक करा पाएंगे, ठीक है। फिर आता है सेकंड स्टेप, जिसके अंदर आपको मिलेगी फोटो कॉपी। फोटो कॉपी मिलेगी 700 रुपये में, 700 रुपीज़ आपको देने होंगे, उसमें आपको आपकी पूरी फोटो कॉपी मिल जाएगी। ये इसमें सिर्फ आपको कॉपी दिखाई जाएगी, आपकी ऑनलाइन कॉपी दिखाई जाएगी, आपने क्या क्या लिखा और कितने मार्क्स आपको दिए गए, और उसमें कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं होगा। उसके बाद जब आप देख लेंगे, फिर आप तीसरा स्टेप करेंगे, जिसके अंदर फीस है 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, यानी कि आपको उसमें देखना पड़ेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन चेक कराने। देखो, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑनलाइन अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटो कॉपी ऑफ द आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन और चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी आंसर। यानी कि वही बच्चा जिसने फोटो कॉपी मंगा रखी होगी, सेकेंड स्टेप किया होगा, वही बच्चा थर्ड स्टेप कर सकता है, यानी कि अपने क्वेश्चन को चेक करा सकता है। फिर आपका वो क्वेश्चन पूरी तरह से दोबारा चेक होगा किसी नए टीचर के द्वारा। डिक्रीज ऑफ इवन वन मार्क शैल बी अफेक्टेड, अगर मान लो आपका एक नंबर भी कम होता है तो आपका नंबर कम किया जाएगा, तो नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर घट भी सकते हैं, ध्यान रखना। और इसके बाद जो फाइनल मार्क्स आपको दिए जाएंगे वो फाइनल होंगे। इन द केस ऑफ ऑल द अबव थ्री एक्टिविटीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द मार्क्स अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। तो आप एक बार जब आप सारे स्टेप करा लेंगे उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक अंडर RTI एक्ट 2005 विल बी प्रोवाइडेड एज पर प्रोविजंस ऑफ RTI एक्ट 2005। हाउएवर, अ रिक्वेस्ट ऑफ वेरिफिकेशन कैन नॉट बी मेड अंडर RTI एक्ट एंड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, ठीक है। तो ये इसमें सब मैं आपको जानकारी दे रखी है। सारे काम ऑनलाइन होंगे, वेबसाइट पर इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी दो और भी चैनल्स हैं, उसमें भी आपको अपडेट्स मिल जाएगी। बाकी हमारे चैनल पे आपको जो जो अपडेट मिलेगी वो यूट्यूब पे और टेलीग्राम दोनों मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही ये लिंक एक्टिवेट होगा आप सभी को अपडेट मिल जाएगी और आप जो है अपना चेकिंग करा सकते हैं। ये जो इसकी जो डेट है वो 4 तारीख, रिज़ल्ट आने के 4-4 दिन बाद, यानी कि 13 तारीख आज, तो लगभग 14, 15, 16, 17 के आसपास ये स्टार्ट हो जाएगा वेरीफिकेशन। 17 तारीख से आप कर पाएंगे। बहुत कम दिन मिलते हैं, बहुत ही कम दिन मिलते हैं, 1 या 2 दिन मिलते हैं बस खाली ये सब स्टेप करने के। तो आपको बहुत ध्यान से रखना है, आपको एक्टिव रखना होगा। जैसी अपडेट आएगी आपको तुरंत
ऑनलाइन जाना है सीबीएसई की वेबसाइट पर और इसके लिए अप्लाई कर देना, जिसको चेकिंग करानी होगी। सारी काम ऑनलाइन होगा, सारी फीस आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होगी, इसी का ध्यान रखना है। जब आपको समझ आएगी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी नई अपडेट आएगी उस बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।